Good students, in this video we'll try to learn about the structure of a typical prokaryotic cell. पिछले वीडियो में हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखा और हमने ये भी देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल जनरली वैरीज इन देयर शेप एंड साइज. तो हम सारे शेप और साइज की स्टडी तो नहीं कर पाएंगे, सो हम क्या करेंगे, तो हम एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना के सीखेंगे. उस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कौन-कौन सी चीजें प्रेजेंट है. So, by learning a typical structure, we'll come to know कि which all things are actually present in the prokaryotic cell. लेकिन ये समझना बहुत important है कि जितने भी structures हम list down करेंगे, वो सारे के सारे structure prokaryotic cell के पास होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है. उसमें से कुछ structure हो भी सकते हैं, या तो फिर नहीं भी हो सकते. लेकिन हम एक overall background set करेंगे, जिसके ऊपर हमको ये पता चल जाएगा कि prokaryotic cell के पास कौन कौन से स्ट्रक्चर रह सकते हैं. So let's start with our lecture. If you want to study the structure of a typical prokaryotic cell, then a typical prokaryotic cell will consist of three things. We are dividing this lecture into three halves. हम इस लेक्चर को तीन भाग में डिवाइड करेंगे. In the first half, we will learn about the envelope. A typical prokaryotic cell consists of first thing, that is envelope. Secondly, a typical prokaryotic cell will have a modification of envelope. These modifications of envelopes are actually the outgrowths which are protruding out of the cell membrane. ये modification जो है envelope के, वो बाहर निकलने वाले हिस्से हैं जो कि सेल एनवलप से बाहर निकलेंगे. दीज आर कॉल्ड एज अपेंडिजेस. सो मॉडिफिकेशंस आर एक्चुअली आउटग्रोथ्स व्हिच कम्स आउट ऑफ द एनवलप एंड दे आर कॉल्ड एज अपेंडिजेस. इस कैटेगरी में हमको तीन चीजें सीखनी पड़ेगी. नंबर वन, वी आर हैविंग flagella. Number two, we are having fimbria. And number three, we are having pili. Or pili, you can say that. Okay? So, and the third thing which a typical prokaryotic cell will consist of is cytoplasm. And the content inside the cytoplasm. So, अब तक हमने क्या देखा? तो अब तक हमने देखा कि हमें typical prokaryotic cell का structure study करेंगे. लेकिन study करने के लिए हम prokaryotic cell के structure को तीन हिस्सों में divide करेंगे. पहले हिस्से में हम envelope के बारे में जानेंगे. दूसरे हिस्से में हम मॉडिफिकेशंस के बारे में जानेंगे और तीसरे हिस्से में हम प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म और उसके कंटेंट्स के बारे में जानेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनवलप ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल. अ एनवलप ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ थ्री टाइटली बाउंड लेयर्स. इट इज मेड अप ऑफ थ्री tightly bound layers. The outermost layer of a prokaryotic cell is called as glycocalyx. जो सबसे outermost layer है, उसको हम glycocalyx बोलते हैं. And the glycocalyx, depending upon its thickness, can be termed as slime layer. ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, इसकी थिकनेस कितनी है? अगर इसकी थिकनेस कम है तो उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर उसकी थिकनेस ज्यादा है तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स का काम है टू प्रोटेक्ट द सेल. एंड इट आल्सो हेल्प्स द सेल इन एडहेशन.
सरफेस, किसी भी सरफेस को स्टिक करने के लिए, एडहर करने के लिए ग्लाइकोकैलिक्स मदद करती है। नाउ इफ अ ग्लाइकोकैलिक्स इज हैविंग लेस थिकनेस देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर का फंक्शन क्या है? स्लाइम लेयर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डेक्सट्रिन, डेक्सट्रिन एंड लिगैंड्स, and the function of slime layer is to prevent water and nutrition loss. So जिस भी बैक्टीरिया के पास स्लाइम लेयर है, वो स्लाइम लेयर किससे बनी हुई थी? एक तो वो डेक्सट्रान की बनी होगी, या तो डेक्सट्रीन की बनी होगी, या तो लिवान की बनी होगी, और उसका जो मेन फंक्शन है इज टू प्रिवेंट वाटर एंड न्यूट्रिशन लॉस। व्हाइल द कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल इज पॉलीसेकेराइड, कैप्सूल पॉलीसेकेराइड की बनी होगी, एंड द फंक्शन ऑफ कैप्सूल इज टू हाइड सरफेस रिसेप्टर, and it will also provide a gummy appearance of the prokaryotic cell. जो main function है capsule का, वो है to hide the surface receptor. Now surface receptor क्या है? तो surface receptor are like the eye cards of the cell. किसी भी cell को पहचानने के लिए उसके cell के surface के ऊपर उसके receptor रहते हैं, और उस रिसेप्टर के भरोसे पे हम उस सेल को पहचानते हैं कि ये सेल हमारी बॉडी का है कि कोई फॉरेन सेल है। नाउ कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन सरफेस रिसेप्टर को हाइड करके रखते हैं, और हाइड करने की वजह से दे एक्चुअली गेट एस्केप फ्रॉम द होस्ट इम्यूनिटी। किसी भी व्यक्ति को बैक्टीरिया को पहचानने के लिए उसके सरफेस रिसेप्टर चाहिए, अगर सरफेस रिसेप्टर हाइड करके रखेंगे तो वो होस्ट इम्यूनिटी से एस्केप हो जाएगा, और इस तरीके से बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आते हैं और जिंदा रहते हैं और हमको डिसीज्ड बनाते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप इज सेल वॉल, दिस इज द मिडल लेयर। The composition of cell wall is peptidoglycans. ये बहुत important MCQ है। Cell wall of a bacteria is made up of peptidoglycans and murines. Okay, so these are the two main components of cell wall of bacteria. Here, this glycan part of cell wall is actually alternating units of N-acetyluramic acid connected by beta-1,4 bonds to N-acetyl glucosamine। ये बहुत important MCQ है। Okay, so a cell wall of bacteria is actually composed of peptidoglycan, और उसमें का जो glycan part है वो बना होता है N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine से, जो एक मेक से connected होते हैं by beta-1,4 bonds। ये आगे जाके हम सीखेंगे इसके बारे में डिटेल, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान में रखना, इतना रट्टा मार के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया को सर्टेन कैरेक्टर्स मिलते हैं। हम बैक्टीरिया की स्ट्रेनिंग प्रोसेस करते हैं, एंड द स्ट्रेनिंग प्रोसेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअली सेल वॉल। ये भी MCQ आता है कि सेल वॉल के वजह से ही बैक्टीरिया विल टेक अ पर्टिकुलर स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स कलर। अ कलरिंग टेक्निक फॉर बैक्टीरिया इज डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट क्रिस्टियन ग्राम इन द ईयर 1884। क्रिस्टियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को विजुअलाइज करने के लिए एक कलर कोडिंग सिस्टम डेवलप की।
उस कलर कोडिंग को सिस्टम को हम बोलते हैं ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस ऐसी है कि जो भी बैक्टीरिया हमको विजुअलाइज करने हैं उनको हम कलर देते हैं। फॉर स्टेनिंग द बैक्टीरिया विद ग्राम स्टेन वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो वी हैव टू एड अ बेसिक कलर क्रिस्टल वॉयलेट। हमें सबसे पहले एक स्लाइड लेनी होगी, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियाज है। ये बैक्टीरियाज अभी दिख नहीं रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि उनको कलर नहीं है, तो इनको कलरफुल बनाने के लिए यानी स्टेनिंग करने के लिए हमें इस पे डालना पड़ेगा बेसिक कलर, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट डालने के बाद सारे बैक्टीरिया कलर को ले लेंगे। अब ये कलर फिक्स करने के लिए हमको इस स्लाइड पे डालना पड़ेगा आयोडीन सॉल्यूशन। इट इज फॉर फिक्सिंग द स्टेन। आयोडीन कलर डालने की वजह से जो कलर है वो बैक्टीरिया से फिक्स हो जाएगा। देन स्टेप नंबर 3 इज वी हैव टू वॉश द स्लाइड विथ अल्कोहल। फिर ये स्लाइड को हम अल्कोहल डाल के धो देंगे। धोने के बाद अल्कोहल से वॉश करने के बाद जो भी बैक्टीरिया कलर को पकड़ के रखेगा वो वॉयलेट दिखना शुरू हो जाएगा, और जो भी बैक्टीरिया ने कलर को छोड़ दिया वो ब्लैक दिखेगा। So after washing with alcohol, those bacteria which look violet are actually called as gram positive bacteria. They are called as gram positive bacteria. Okay? और जिन्होंने कलर छोड़ दिया वो तो नहीं दिख रहे, उनको उनको हमने कहा gram negative. So, on the basis of gram stain, the bacteria can be again classified into gram positive bacteria and gram negative bacteria. Okay? Then, लेकिन ये तो bacteria gram negative वाले दिखेंगे नहीं, तो दिखने के लिए उनको फिर से colorful बनाना पड़ेगा। Now, उनको colorful बनाने के लिए, we have to follow 4 step and here we will put a acidic dye which is eosin. अब eosin डालने के बाद जो भी बचे हुए बैक्टीरिया है वो आपको पिंक दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। So स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप में जो भी बैक्टीरिया पिंक दिखेगा दैट इज ग्राम नेगेटिव, और जो भी बैक्टीरिया वॉयलेट दिखेगा वो है ग्राम पॉजिटिव। So in this way we can classify the bacteria as gram positive and gram negative. The next layer of cell envelope is cell membrane. The composition of cell membrane is lipoproteins. सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है? लाइपोप्रोटीन। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सेल मेम्ब्रेन ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। सारे किसी भी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हो, चाहे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, ऑर्गेनिज्म चाहे एनिमल हो प्लांट हो फंगाई हो, सबकी सेल मेम्ब्रेन एक ही मटेरियल से बनी है एंड दैट इज लाइपोप्रोटीन। ये हमेशा पूछा जाने वाला एमसीक्यू है क्योंकि सेल वॉल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। We'll have a separate video on this topic कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, लेकिन फिर बैक्टीरिया के पास फंगस भी आते हैं तो फंगस के पास भी सेल वॉल है, उनकी सेल वॉल अलग मटेरियल से बनी है। प्रोटीज भी आते हैं तो प्रोटीज में भी सेल वॉल हो सकती है, अगर प्लांट लाइक प्रोटीज होंगे तो उनके सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है और प्लांट के सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है। तो सेल वॉल का कंपोजिशन हर जगह पे अलग अलग है, लेकिन
सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हमेशा सेम है एंड दैट इज लाइपोप्रोटीन. सो डू रिमेंबर दिस एमसीक्यू, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ऑल द सेल मेम्ब्रेन्स इन द ऑल सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट अ फर्स्ट टॉपिक दैट इज एनवेलप. A envelope is made up of tightly bound three layer, in which the outermost is called as glycocalyx, the middle one is called as cell wall, and the innermost is called as cell membrane. Every membrane ka composition alag alag hai, every membrane ka function alag alag hai. What is the function of cell wall? The function of cell wall is it will prevent the cell from bursting and collapsing. It will provide a strong structural support. Bacteria, it will prevent the bacteria from bursting and collapsing. So this is all about the envelope of prokaryotic cell. In the next half of the lecture, we will see appendages or the outgrowth which are coming out of this envelope.